सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सुकांत ट्यूटोरियल। स्टेट स्कॉलरशिप 2022-23 स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन बहुत शीघ्र आसीब। स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन 2022-23 स्कॉलरशिप न्यू रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल डेट केबे आसीब। स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन फॉर्मेट रेडी, तो फुल डिटेल्स जानिबा पई समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जे माने वीडियो देखछंती वीडियो को लाइक करबा सहित, जदि आपण माने प्रथम थर करी आम यूट्यूब चैनल को व्यू कर तो आम चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑल सेट कर दियंतु, एपरी लेटेस्ट स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो प्रथम पाइबा पाई। देखंतु बंधुगण, आज वीडियो स्टेट स्कॉलरशिप अंडर जिते भी स्कॉलरशिप अच्छी जदि आपण माने अप्लाई करने को चाहती वीडियोटा इंपोर्टेंट होगाक जाऊँगी, कारण स्टेट स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन बुझे न्यू सेक्शन को सेक्शन सेक्शन हूँ आपणकर 2022-23 सेक्शन पर बहुत शीघ्र स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल ओपन होगा जाऊँ। आप जानते हैं एवं 10th पिला रिजल्ट प्रकाश पाला, तो 10th पिला रिजल्ट प्रकाश पाला से माने प्लस टू एडमिशन करेंगे। जो मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ुते बुझे से माने सेकेंड ईयर को जी से रिन्यूअल करेंगे। से हीपरी जो मैंने भी एवं प्लस टू पिला रिजल्ट प्रकाश पाए जुलाई शेष सुधा, से कौन हम से प्लस थ्री करेंगे। जो मैंने पीजी एडमिशन करेंगे बा जो मैंने गोटे वर्ष अप्लाई करते से माने अन्य वर्ष रिन्यूअल करेंगे। से नहीं न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो, जो मैंने भी अप्लाई करेंगे से माने न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ता सहित जो मैंने भी गोटे वर्ष अप्लाई करते से माने तापर वर्ष कौन करेंगे से माने रिन्यूअल करेंगे बुझिपाले रिन्यूअल करेंगे। से नहीं बहुत शीघ्र आपणकर डेट आसवाक जाऊँ, तो आपणक डेट केबे आसीब न्यू रजिस्ट्रेशन एवं अप्लाई रिन्यूअल डेट केबे आसीब डिटेल्स आपण मानक वीडियो कहबी। स्टेट स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन बुझे न्यू सेक्शन पर आपणकर फॉर्मेट रेडी सारी, तो फॉर्मेट आपको क्लियर भाव देखिए कौ कौ फॉर्मेट आपणकर क्यों स्कॉलरशिप आपन अप्लाई करेंगे क्यों क्लास पे कौ स्कॉलरशिप रही डिटेल्स आपड़ो जापर। तो जो मैंने भी वीडियो देखते वीडियो को लाइक करने सहित, जदि आपण मैंने प्रथम थर करी आम यूट्यूब चैनल को व्यू कर तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑल सेट कर दिंतु, यहपर लेटेस्ट स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो प्रथम पाइबा। देखंतु बंधुगण, आपण माने सर्वप्रथमे निज मोबाइल गूगल सर्च करेंगे स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल। तो स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल सर्च कलापर आपण आगे यहीपरी इंटरफेस ओपन हो, आपण मैंने सब स्क्रीन आगे देखिपे देखो ये लिखा जा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल लिखा जाए आपण कौन करेंगे क्लिक करेंगे। आसतु क्लिक करवा, देखु क्लिक कलापर आपण आगे यहीपरी इंटरफेस ओपन हो, आपण मैंने सब स्क्रीन आगे देखिपे तो आपण आगे यहीपर गोटे पॉपअप ओपन हो, आप क्लोज करेंगे। क्लोज कलापर देखते आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन कलापर देखो आप लिखा जा चेक एलिजिबिलिटी। देखो आपण करेंगे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। आसतु क्लिक करवा, देखंतु चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कलापर आपण आगे यहीपरी इंटरफेस ओपन हो, आपण मैंने सब स्क्रीन आगे देखिपे देखते आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखो स्क्रॉल डाउन कलापर देखते लिखा जाए टोटल स्कीम 13 रही, अर्थात स्टेट स्कॉलरशिप अंडर आपं 13 स्कॉलरशिप रही। भिडियो आपको डिटेल्स कहबी क्यों स्कॉलरशिप आपड़ योग्य हे, अर्थात क्यों क्लास और क्यों कोर्स करते क्यों सब स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे डिटेल्स जापर। ता सहित देखो प्रथम कही रखुच्छी आप स्कॉलरशिप फॉर्मेट रेडी यहाँ हूँ आप न्यू सेक्शन बुझे न्यू सेक्शन कौ सेक्शन आपदे व्यस्त हूँ न्यू सेक्शन आपंकर 2022-23 सेक्शन पर यहाँ रेडी होती बुझे फॉर्मेट रेडी होती। तो जो मैंने भी वीडियो देखते सब सांग सेयार कर दिखाँ, कारण जो मैंने भी स्टेट स्कॉलरशिप अप्लाई करने चाहते 13 स्कॉलरशिप से जापारे, तो आप स्कॉलरशिप योग्य होती डिटेल्स जापारे। आपण मैंने जानते हैं एवं सब एडमिशन सेक्शन सब आरंभ हो जाए, तेणु न्यू स्कॉलरशिप आप स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल आपर फॉर्मेट रेडी होगा जाऊँ, तो आप जानपारे आप स्कॉलरशिप योग्य हे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। देखो आप प्रथम स्कॉलरशिप रही कालिया स्कॉलरशिप। कालिया स्कॉलरशिप कौन, जो स्टूडेंटर पितामाता मैंने कालिया योजना माध्यम रे टंका पाउथिबे से मानक पुओ किंबा झियो ई कालिया स्कॉलरशिप अप्लाई करि परिबे। त डिपार्टमेंट रहउछि एग्रीकल्चर एंड एफएई डिपार्टमेंट रहउछि बुझि पाले। देखंतु ए स्कीम होउछि करेंटली दिस स्कीम इज नॉट ओपन, अर्थात ए स्कीमटा बे ओपन हेनी 2000
22-23 सेक्शन पे बहुत शीघ्र ओपन होगा जाऊँ एडमिशन से सेक्शन भितर ही आपंकर ओपन हो बुझे तो देखो तापर कौन रही रही विजु युव सशक्तिकरण योजना लैपटॉप डीबीट स्कीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर विजु युव सशक्तिकरण योजना मध्यम पिला सब लैपटॉप बाबद 30,000 टाँग मिलूँ तार स्कीम एप्लाई चली लास्ट डेट अच्छी देख पार्थे यहाँ 15 जुलाई 2022 लास्ट डेट अच्छी तरह ये सब आप न्यू सेक्शन सब आरंभ हो तार फर्माट ये सब लिखिथ के मैंने अप्लाई करेंगे तथा अप्लाई डेट रही बुझे लास्ट डेट तथा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हाउ टू अप्लाई मुझे अप्लाई बुझे डिटेल्स ये रही थी देखता रही है आपंकर इ मेधावृत्ति पिजि मेरीट तो पिजि पाने मेधावृत्ति अप्लाई करेंगे जो मैंने भी एडमिशन करेंगे से मैंने अप्लाई करेंगे तास्त रिन्यूअल पिला अप्लाई करेंगे बुझिपारे रिन्यूअल पिला अप्लाई करेंगे तो देखते यहाँ हूँ आपंकर इ मेधावृत्ति यहाँ करेन्टली ओपन होनी अर्थात न्यू सेक्शन 2022-23 बहुत शीघ्र ओपन होगा जाऊँ बुझिपारे देखु आप जो मैंने भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना से मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे 2022-23 न्यू सेक्शन एवं नुहे डेट आसे डिटेल्स आपबी देखिए इ मेधावृत्ति टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स जो मैंने भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स करेंगे बुझिपारे अर्थात से आईटीआई करूँ कि डिप्लोमा करूँ से जो इ मेधावृत्ति टेक्निकल एंड प्रोफेशनल अप्लाई करेंगे तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रोचे बुझिपारे ये स्कीमटा भी ओपन होनी 2022-23 सेक्शन बुझिपारे बहुत शीघ्र ओपन होगा जाऊँ डिटेल्स जापर आम चैनल मध्यम रही आपंकर इ मेधावृत्ति यूजी मेरीट जो मैंने भी प्लस थ्री करेंगे कि प्लस थ्री फास्ट इयर अप्लाई करेंगे सेकेंड इयर से रिन्यूअल करेंगे थर्ड इयर से रिन्यूअल करेंगे तो यहपर आपब आप्लाई करेंगे कौन रोचे आमर व्यासकवि फकीर मोहन भाषावृत्ति स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट अच्छी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अर्थात ओडिया भाषा को अग्राधिकार देवाई व्यासकवि फकीर मोहन भाषावृत्ति स्कॉलरशिप आसी देखो ये स्कॉलरशिप के मैंने अप्लाई करेंगे जो मैंने प्लस थ्री और जो मैंने भी पीजी करेंगे कौतरे ना ओडिया जो मैंने ओडिया अनुसार प्लस थ्री करेंगे और ओडिया पीजी करेंगे से व्यासकवि फकीर मोहन भाषावृत्ति स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे ये स्कीमटा 2022-23 शिक्षाबर्ष बहुत शीघ्र ओपन होगा जाऊँ निर्माण श्रमिक कल्याण जन स्कॉलरशिप रोचे डिपार्टमेंट रोचे लेबर एंड ईएसआई डिपार्टमेंट रोचे ता स्कीम 2022-23 न्यू सेक्शन बहुत शीघ्र ओपन होगा जाऊँ बुझिपारे देखते कौन रही है जूनियर मेरिट स्कॉलरशिप जो मैंने भी प्लस टू पढ़ुते बुझे जो मैंने प्लस टू एडमिशन करेंगे कि जो मैंने भी फर्स्ट ईयर पढ़ुते से सेकेंड ईयर जाइए से रिन्यूअल करेंगे बुझिपारे यहाँ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ स्कॉलरशिप टाँग मिलू बुझिपारे देखते रही पठानी सामंत मैथमेटिक्स टैलेंट स्कॉलरशिप रही आपंकर प्लस टू फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पिला अर्थात जो मैंने भी फर्स्ट से सेकेंड ट्रांसफर होप्लाई करेंगे जो मैंने भी एडमिशन करेंगे से अप्लाई करेंगे तो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रोचे जितेबाला यार एडमिशन सेक्शन आरंभ हो स्कॉलरशिप अप्लाई स्टार्ट हो डिटेल्स कह बुझे देखते रही आपंकर बीओसी स्कॉलरशिप रही बुझे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ ये स्कॉलरशिपटा मिलू बी एस स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन बहुत शीघ्र स्टार्ट होगा जाऊँ यह स्कॉलरशिपटा केवल गर्ल्स मैंने ही अप्लाई करेंगे जो मैंने टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स करते अर्थात जो मैंने भी आईटीआई डिप्लोमा करते से अप्लाई करेंगे आउर हो सुदक्षा फर गर्ल्स एंड स्कॉलरशिप ये जो ये स्कॉलरशिपटा गर्ल्स मैंने ही केवल अप्लाई करेंगे बुझे गर्ल्स मैंने ही अप्लाई करेंगे तो डिपार्टमेंट हो स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स जो मैंने भी करते आईटीआई किंबा डिप्लोमा करते जो मैंने भी केवल गर्ल्स मैंने ही अप्लाई करेंगे ता सहित देखूँ ये जो बीओसी स्कॉलरशिप से केवल गर्ल्स मैंने ही अप्लाई करेंगे तापर रही है आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बुझे स्टेट स्कॉलरशिप जो कौन डिपार्टमेंट होती है एसटी एंड एससी एंड एमबीसी ओलपा डिपार्टमेंट होती है स्कीम बहुत शीघ्र ओपन होगा जाऊँ बुझे 2022-23 सब पाने स्कॉलरशिप को अपेक्षा करते हैं जेहतु यहाँ दुटा टू शेयरिंग रोचे बुझे जेहतु टू शेयरिंग रोचे कौ शेयरिंग रोचे आपंकर 60% रोचे सेंट्रल गवर्नमेंट बुझे आ स्टेट गवर्नमेंट तरफ 40% से माने ही जो स्कॉलरशिप से माने अपेक्षा करते बुझे तो बहुत शीघ्र स्कॉलरशिपटा ओपन होगा जाऊँ तापर हो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मैंने भी 9th क्लास कि 10th क्लास बुझे पढ़ुते से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करें ओपन होगा जाऊँ जो मैंने भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मैंने भी 10th पर बुझे 10th पर आप जो स्कॉलरशिप जो पाठ पढ़ुते अप्लाई करेंगे देखते ये फॉर्मेट सब रेडी आपको बहुत शीघ्र आप स्कॉलरशिप न्यू सेक्शन ओपन होगा जाऊँ देखूँ ए रिगार्डिंग जिते भी किसी अपडेट आसव स्कॉलरशिप को नहीं सेत फास्ट अपडेट देखा चेस्टा करी आम चैनल मध्यम स्कॉलरशिप सब अपडेट दी जाऊँगी तो जो मैंने भी वीडियो देखते आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ सब्सक्राइब करेंगे जिते बड़े भी आपंकर न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो कि आपंकर
रिजिस्ट्रेशन किंबा आपंकर रिन्यूआल डेट स्टार्ट हे बुझे रिन्यूआल डेट स्टार्ट हे से आपको जनईदेवी देखो जदि आपण मानक भल लगी तो निश्चय लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।